Ben de. Okay, let's try something different. नमस्कार देवियर सज्जनों जी हाँ, स्वागत है वापस से हमारे इस चैनल पर जहाँ पर मैं संडे ब्लॉग्स बनाता हूँ। आई कैन सी वन वेनली है, आप जैसा देख पा रहे हैं बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं वापस और हम लोग अभी जा रहे हैं। टाइम हो चुका है 4। और हमारा दोस्त काफ़ी आगे निकल चुका है तो हमको उनको पकड़ने के लिए थोड़ा तेज जाना पड़ेगा। ये है हमारे शिबू भैया, हमारे बचपन के दोस्त, बहुत ही अजीज, हमारे खास दोस्तों में से एक है। उन्होंने आज प्लान बनाया कि चल भाई निकलते हैं, कहीं चलते हैं, थोड़ा घूम कर के आएंगे। हम बोले कि चलो भाई, करना क्या है, घर पे भी हम भी यूँ ही बोर हो रहे थे और यहाँ थोड़ा हम सोचे कि बाहर निकलेंगे तो थोड़ा हवा खाया जाएगा, फ्रेश एनवायरनमेंट में थोड़ा सा टहला जाएगा। काफ़ी दिनों बाद जो हम बाहर निकले हैं तो फिर अच्छा भी लग रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप भी मध्यम मध्यम है और इन्होंने गाड़ी रास्ते पर रोक रखी है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कपल्स को भी मौका मिला है आज, तो फिर वो लोग भी थोड़ा सा बाइक पे डबल डबल होकर के निकल रहे हैं। जैसे कि एक और बंदा यहाँ से जा रहा है, इनको भी शायद संडे में मौका मिला है तो ये भी जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। जाइए भैया, आप भी मज़े लीजिए, हम अपनी तरफ से मज़े लेते रहेंगे। देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। वो हमारे कृष्णा भैया चले गए, उनके पास ट्रिपल है। वाह भाई, एनवायरनमेंट तो बहुत ही सुंदर हो रखा है। थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ। और आई एम नॉट श्योर, अगर लाइट, अगर सूरज की रोशनी कैमरे पे पड़ रही होगी तो आई डोंट थिंक आपको कुछ दिख रहा होगा। अगर आप चेरापूंजी की तरफ जाते हो तो ये सबसे पहला पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लड़के मीटअप करते हैं। I also there's a weird sound out of my chain. I don't know what's the problem. I think it needs some servicing. We'll see to it later because I'm already on a ride. बहुत दिनों बाद जब रोड पे आए हैं तो बाइक चलाते चलाते ऐसा फील हो रहा है कि भाई थोड़ा सा बाइक को भी मज़ा दिया जाए, थोड़ा तेज चलाया जाए, थोड़ा ट्विस्टीज घुमाया जाए, थोड़ा टॉप स्पीड खींचा जाए। जैसे जिम्स वगैरह सारी बंद है, सारी फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें सारी बंद है, स्विमिंग पूल्स वगैरह सारे बंद है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल्स, बहुतों को मैंने देखा है कि वो लोग साइकिल्स वगैरह चला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू एक्चुअली। अगर कभी ऊपर वाले ने चाहा, सब सही गया तो हम भी करेंगे, अपने फिटनेस का ख्याल हम भी रखेंगे। वैसे तो हमारा मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी जो है। कॉप से यहाँ पर रुके हुए थे, शायद चेकिंग चल रही है। आपकी जो सेहत है वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इफ यू गाइस कैन सी टुवर्ड्स द राइट देयर इज वाटिला का म्यूजिक पार्क एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट एलिफेंट फॉल्स इज देयर व्हिच इज अराउंड 1.45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मौसम का क्या बताऊं भाई साहब, सफेद सफेद बादल, नीला नीला आसमान, खुली सड़क, चारों तरफ ग्रीनरी, यहाँ हरे हरे पेड़, यहाँ हरे हरे पेड़। नेचर का अगर मज़ा लेना है तो नॉर्थ ईस्ट में आइए और नेचर का असली मज़ा जो है आपको यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा और यहीं मिलेगा। अब हम जहाँ पर आकर पहुँचे हैं, जहाँ से दो लेन से, अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आप नॉन्गसेन जा सकते हो, रोंगजंग जा सकते हो। अगर आप शिलोंग की तरफ आते हो और चेरापूंजी की तरफ जाते हो तो सबसे पहला जो आपको व्यू पॉइंट मिलेगा, सबसे पहला जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा वो है एलिफेंट फॉल्स, जो यहाँ सड़क से आपको 0.45 किलोमीटर्स मेंशन किया हुआ है।
जिसके लिए आपको राइट लेना है, और अगर आप मिडिल वाला रोड लेते हो तो आप नॉन्गस्टाइन और रोंगजंग की तरफ जा सकते हो, और लेफ्ट वाला रोड लोगे तो आप सीधा चेरापुंजी निकल जाओगे। देखिए तो क्या सुंदर मौसम हो रखा है, ऊपर नीला, बीच में काला, नीचे हरा, यहाँ सूरज की रोशनी चमक रही है, सामने खुली खुली वादियाँ है हमारे सामने, और ये जो स्ट्रेट रोड आ चुका है ये हमें कह रहा है कि जाफिर भाई थोड़ा सा खींच लो, तो ये लीजिए थोड़ा। यहाँ पर बाइकर्स का पूरा मेला लगा हुआ है, सारे लोग आकर के आगे यहीं पर रुके हैं, तो बाइकर्स लॉट ऑफ बाइकर्स है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, हम लोग राइड जाएंगे। अगर कोई हमारा व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो इधर आना चाहे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर बाइकर है या प्रॉपर ड्राइवर है तो उनको तो पता चल ही जाएगा कि भाई ऐसी जगहों पर रास्ते ऐसे ही होते हैं। जहाँ पर हम अभी फिलहाल जा रहे हैं वहाँ पर पहले तो हम आराम से बैठ करके एक उनका वहाँ पर एक होटल था, वहाँ पर हम लोग आराम से बैठ करके वहाँ पर खाते पीते थे। अब तो ये लॉकडाउन की वजह से सारे होटलों में टेक अवे का सिस्टम आ गया है, तो जाकर देखते हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी जुगाड़ लगाया होगा, हो सकता है कि हमें बाहर ही खाना पड़े, देख लेंगे बाहर भी खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये तो पता चल जाए कि दुकानें खुली है कि नहीं। और ये है चेरापुंजी जाने से पहले सबसे पहला ब्रिज, सबसे पहला और सुंदर ब्रिज, और यहाँ पर चल रही है चेकिंग और सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। बहुत ही गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ब्रिज के आगे हुए पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, हम बोला कि यूँ ही थोड़ा घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसके आगे आप नहीं जा सकते, तो बताइए ये क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए जो भी है हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। अब हुआ यूँ कि हम वहाँ आगे जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइकर्स मिलेंगे उसके आगे तो रास्ता ही बंद है, तो
देखते हैं यहीं पर थोड़ा देर हॉल्ट करते हैं, थोड़ा देर टाइम पास करके निकल जाएंगे यहाँ से वापस। जैसे ही हम जाकर के मोगोटोक ब्रिज पे पहुंचे, वहाँ पर दो कॉप्स खड़े थे विद पेट्रोलिंग व्हीकल। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो हमने बोला ऐसे ही बस घूमने के लिए आए थे, तो बोला यहीं से वापस चले जाइए। हमने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं है, बहुत सारे टूरिस्ट आकर के यहाँ पर भीड़ भड़क कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिचुएशन कहीं पर भी भीड़ भड़ाका करना कानून के खिलाफ होगा, आपके सेहत के खिलाफ होगा। अभी जो ये रिसेंट पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, आपको हो जाए तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होगे। तो बेहतर है कि आप सरकार के नियम और कानून का पालन करें, जैसा उन्होंने कहा है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। तो हमने भी उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं की, हमने बोला आप जो चाहे वही होगा, हमने वहीं से अपनी बाइकें घुमा ली और अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए। एक और जगह है जो ये वाली है, यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ लगी हुई है और दुकानें खुली हैं। वैसे अगर यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए तो थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके हम भी निकलेंगे आगे। उधर में बैठने का तो नहीं होगा, बाहर ही है, जो थोड़ा देर रेस्ट कर लेते। अब जबकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ब्लॉगिंग करने का संभावना भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो मुझे लगता है आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा। और हो सके तो अगले ब्लॉग में, अगर सिचुएशन सारा नॉर्मल रहे, तो हम लोग थोड़ा आगे तक जाएंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, आप सबको दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर आप हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस।